हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुजराती स्टाइल में ड्राई फ्रूट चिक्की हम किस तरह से बना सकते हैं उसकी रेसिपी। बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है, बिल्कुल कुरकुरी करारी ऐसी हमारी ये चिक्की बनकर रेडी होती है। तो चलिए देखते हैं ये ड्राई फ्रूट चिक्की किस तरह से बनाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं ड्राई फ्रूट चिक्की। ये चिक्की बनाना बहुत ही आसान है और झटपट से बन जाती है। तो इसके लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ग्रीन पिस्ता लिए हैं, इन्हें इस तरह से मैंने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। 1/2 कटोरी मैंने यहाँ पर बादाम लिया है, इन्हें भी इस तरह से कट कर लिया है। अनसॉल्टेड कद्दू के बीज है तो ये मैंने 2 टेबलस्पून लिए है। 1 कप मैंने यहाँ पर चिक्की का गुड़ लिया है। 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने सूरजमुखी के बीज लिए हैं, सनफ्लावर बीज 2 टेबलस्पून लेने हैं हमें। 1/2 कटोरी मैंने यहाँ पर कैजूज लिए हैं, इस तरह से 2 टुकड़ों में कट करके और इस तरह से स्लाइस करके मैंने जो सूखा नारियल है वो लिया है। 1 टेबलस्पून हमें देसी घी चाहिए, 1/4 टीस्पून खाना सोडा और 1 से 2 टेबलस्पून हमें पानी चाहिए। गैस ऑन कर दिया है, कढ़ाई चढ़ा दूंगी और इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इन्हें हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। ज़्यादा हमें इन्हें जलाना नहीं है, बस ड्राई रोस्ट करना है 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए इस तरह से भून लेंगे। इस तरह से ये ड्राई फ्रूट भूनने से क्या होता है, इनकी टेस्ट और भी ज़्यादा इनहेंस हो जाती है और चिक्की जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अब हम ये जो सभी ड्राई फ्रूट से अच्छे से भून लेते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सभी ड्राई फ्रूट जो है अच्छे से भून लिए हैं लगभग 5 मिनट तक। अब हम ये इस तरह से मैंने एक थाली में एक कपड़ा डाल दिया है, इस पर हम ये सभी ड्राई फ्रूट जो है वो निकाल लेंगे जिससे कि ये जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। फिर से मैंने गैस ऑन कर दिया है और कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम इसमें 1 टीस्पून लगभग देसी घी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी 2 टेबलस्पून और जो हमने गुड़ लिया है वो ऐड कर देंगे इसमें और इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें गुड़ की चाशनी बना लेनी है। और जब तक वहाँ पर गुड़ की चाशनी बन रही है तब तक हम जो है किचन का स्लैब जो है अच्छे से साफ कर लेंगे, क्योंकि हम किचन के स्लैब पर ही ये चिक्की जो है ड्राई फ्रूट चिक्की वो बेलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ये अच्छे से साफ कर लिया है, देसी घी अच्छे से लगा लेंगे जिससे कि जब हम चिक्की बेलेंगे तो वो चिपकेगी नहीं किचन स्लैब पर भी और बेलन पर भी। तो मैंने वो कर लिया है। अब हम फिर से चाशनी चेक करेंगे, पका ली है तो हम फिर से ये चेक कर लेंगे। तो रूम टेम्परेचर का पानी लिया है, उसमें कुछ ड्रॉप हम चाशनी के डाल देंगे, इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर चाशनी अच्छे से ठंडी हो चुकी है पानी में जो हमने डाल दी थी, आवाज़ आनी शुरू हुई है। तो ये चाशनी रेडी है। अब हम इसमें ये हम जो चिक्की बना रहे हैं तो इसमें चिक्की का कलर बहुत ही अच्छे से आता है और चिक्की जो है वो कुरकुरी से बनती है। इसके लिए हम इसमें खाना सोडा ऐड कर देंगे। यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने खाना सोडा लिया है तो इसे डालकर हमें अच्छे से एक सा कर लेना है। अच्छे से एक सा करने के बाद हमने जो ड्राई फ्रूट्स भून लिए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से एक सा कर लेना है हमें, ये चिक्की और ड्राई फ्रूट्स और गुड़ अच्छे से एक सा कर लेना है। ये प्रोसेस हमें थोड़ी सी फास्ट करनी होती है। तो अब हम चिक्की बना लेंगे। तो किचन स्लैब पर हमें अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया था देसी घी से, उस पर हम ये चिक्की डाल देंगे और इसे इस तरह से स्पैचुला से थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर बेलन से इस तरह से बेल लेंगे बिल्कुल पतला सा और गरम गरम ही हम चिक्की पर इस तरह से कट लगा देंगे और इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चिक्की जो है वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो मैंने लगभग 10 मिनट तक इसे इसी तरह से छोड़ दिया था। ये देखिए इस तरह से ये चिक्की बनकर रेडी हो जाती है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ड्राई फ्रूट चिक्की बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही आसानी से टेस्टी ऐसी ये चिक्की हमारी बनकर रेडी होती है। यहाँ पर मैं आपको इसका क्रिस्प दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी ये चिक्की बनती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल होती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह से नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।